वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम वसीउल्लाह अब्दुल मोदी दिलसी है, पड़ाला शांति नगर में मैं रहता हूँ। उर्फ वसीम पटेल से मुझे लोग जानते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है, अंजुमन नूरुल उलूम मस्जिद के ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी खजांची के खादिम और इमाम साहब, जो कोई भी हो मस्जिद के सदर मोहल्ले वालों से, कि अल्लाह का घर क्या बाथरूम करने के लिए और पेशाब करने के लिए बना के रखे हो, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। नमाज के टाइम पे 10 मिनट पहले बाथरूम खुलना चाहिए, और जैसे नमाज खत्म हो गई मदरसा चालू रहेगा, बाथरूम बंद रहेगा, गेट खुला रहेगा मगर बाथरूम का ताला बंद रहना चाहिए। उसमें जिक्रुल्लाह चाचा हमारे मस्जिद के ट्रस्ट जमील वकील चाचा अब्दुल मोहित इदरीसी, मेरा डैडी उनमें है मेंबर, बुनियाद डालने वाले। मेरा कहने का मतलब ये है, अल्लाह के घर को जब हमारी पीछे नमाज तुम्हारी नहीं होती है, तो अल्लाह के घर के अंदर आपका पेशाब भी नहीं उतरना चाहिए और आपका बाथरूम भी नहीं उतरना चाहिए। देखो, हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप इसको बंद कर दो, नहीं तो मैं जुमा के दिन ऐलान करके सारे हजरात के सामने खड़े होके बोलूंगा कि कौन चला रहा, जिम्मेदार है कौन। कोई भी हो, तो समझो अल्लाह की तरफ बहुत बड़ी पकड़ है। करने वाले को हमारे ये पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होती है, तो वहां पे बाथरूम कैसा होता है, वहां पे पेशाब कैसे होती है। आपको बाथरूम 5 रुपया, नहीं तो मैं यही सोचूंगा कि हमारे मस्जिद का खादिम, हमारे मस्जिद का मौलाना वहां पे बाथरूम चालू करके रखा है। मस्जिद अपनी जगह पे, वहां पे बाथरूम मस्जिद के लिए बाथरूम है। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भास्कर यादव साहब, रिक्वेस्ट है, कार्रवाई।